सुबह के 9 बजने वाले हैं आपके साथ, मैं नंदिता कुरेशिया हूं। अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ऐसी खबरों से जिनकी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। और खूबसूरत तस्वीरें आ जा रही हैं जन्माष्टमी उत्सव की। पूरे देश में आज जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। पूरा देश आज कृष्णमय रहेगा। माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात को यानी ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और उससे सटे कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। छोटे बड़े सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आज के दिन मंदिरों में खास झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंदिरों में छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। वाराणसी के बीएचयू में छात्राएं कृष्ण के अलग अलग अवतारों में दिखाई दी। वहीं महाराष्ट्र में आज गोविंदाओं का दिन है। दही हांडी सजाई गई है और गोविंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हांडी को फोड़ेंगे। तेलंगाना के रंगा रेड्डी में बाइक और सामान ढोने वाली छोटी गाड़ी के बीच टक्कर देखने को मिली। दरअसल राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम होने की वजह से एक तरफ की सड़क बंद कर दी गई थी। दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही सड़क से गुजर रहा था। इस नए अरेंजमेंट से अनजान बाइक सवार बेखबर सड़क पर चला रहा था। अचानक सामने गाड़ी देखकर युवा अपना कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी से जाकर टकरा गया। जोरदार टक्कर लगने के बाद बाइक सवार हवा में उछलकर जमीन पर धम से गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि युवक को कोई चोट नहीं आई और वो तुरंत उठकर खड़ा भी हो गया। हालांकि आसपास के लोग भी बाइक सवार की मदद करने के लिए तुरंत पहुंच गए। उत्तराखंड में मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल में अचानक भर भरा कर पानी की तेज धारा बहकर आ गई। ऐसा लगा मानो किसी डैम का कोई गेट खोल दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। तेज बहाव के साथ मिट्टी और पत्थर भी बहकर आ रहे थे। ऐसा मंजर देखकर वहां मौजूद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जाए कहां। गनीमत ये रही कि पानी की तेज धारा ने खुद को फैलाया नहीं, जिस वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। तब भी भारी बारिश और उफान के बीच फंसे पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया। कभी कम बारिश होने की वजह से परेशान रहने वाला बुंदेलखंड इस बार भारी बारिश से सराबोर हो गया है। हमने कहा देख लेना जितनी मदद उतनी मदद कर देना। बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के बाद राजघाट डैम के 10 गेटों को खोलना पड़ा है। वहीं माता टीला बांध के भी सभी 24 गेटों को खोला गया। अचानक 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। साहब आए थे। बिना सूचना के एकदम से आए पानी की वजह से 8 किसान अपने ही खेत में फंस गए। खेत में बने टापू पर आकर सभी बचाने की गुहार लगाने लगे।
एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सभी किसानों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड से सटे यूपी के बिजनौर में चारों तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है। हरिद्वार के रास्ते में पड़ने वाली माला नदी में अचानक बाढ़ आ गई। जिसकी वजह से रास्ते बंद करने पड़े। रास्ते में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सड़क पर कोई हादसा ना हो इसलिए यात्रियों को दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है। अनुमान है कि अगले 2 दिन भी रास्ता बंद रह सकता है। इलाके के 321 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यूपी के उन्नाव में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया है। इलाके के ही फतेहपुर 84 में भी लगातार बारिश और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा पानी में बह गया है। वहीं दर्जनों गांव भी पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपना जरूरी सामान लेकर ऊंची जगह पर पहुंच गए हैं। फिलहाल सभी खुले आसमान के नीचे डेरा डालने पर मजबूर हो गए हैं। शहरों से संपर्क टूटने की वजह से इलाके में जरूरी चीजों की कमी होने लगी है। और अब आज दिन की बड़ी खबरें। देश के कुछ हिस्सों में SC/ST एक्ट का विरोध शुरू हो गया है। कुछ जगह नेताओं का विरोध करते लोग दिखाई दिए। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का विरोध देश के कुछ हिस्सों में देखा जाने लगा है। सामान्य कैटेगरी के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं जो SC/ST एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की तपन मोदी सरकार के मंत्रियों और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के मंत्रियों को झेलनी पड़ रही है। 4 सितंबर को ग्वालियर में एक बड़ी रैली करने का भी दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में काम कर रहे सामान्य कैटेगरी के कर्मचारियों के संगठन स्पार्क्स ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, जिसने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है। मध्य प्रदेश की विदिशा पहुंचे विदेश राज्य मंत्री MG अकबर का लोगों ने घेराव किया, नारेबाजी भी की गई। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के गुना में थे। उनके साथ कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। SC/ST एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे लोगों ने इन दोनों को भी घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी तरह मध्य प्रदेश के ही भिंड से BJP सांसद भगीरथ प्रसाद को भी अपने क्षेत्र में लोगों का विरोध झेलना पड़ा। मध्य प्रदेश के ही धार में महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस का भी विरोध हुआ है। SC/ST एक्ट में संशोधन पर पूछे गए सवाल का जवाब दिए बिना ही अर्चना चिटनिस को वहां से निकलना पड़ा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर पथराव भी किया गया है। भीड़ ने काले झंडे भी दिखाए। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये लोग SC/ST एक्ट में संशोधन का विरोध करने वाले थे या कोई और। 20 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई जगह BJP के पोस्टर और झंडों को भी फाड़ा गया है। करनाल की नवजात करिश्मा बनी आयुष्मान योजना की पहली लाभार्थी। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत बीमा स्वास्थ्य योजना का फायदा मिलना शुरू हो गया है। हरियाणा के करनाल की नवजात बच्ची करिश्मा इस योजना की पहली लाभार्थी बनी है। योजना के तहत 9,000 रुपए का भुगतान शुक्रवार को ही करनाल में मौजूद कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कर दिया गया था। बहुत ही अच्छी योजना है जी। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है आयुष योजना, इसमें आम गरीब लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा और बीमा भी है जिसमें पूरी फैमिली को लाभ मिलेगा इसके लिए। हरियाणा में जन्मे करिश्मा को योजना का पहला लाभार्थी बनने पर उसके माता पिता को कई लोग बधाई दे चुके हैं।
अच्छी लगी योजना भी सरकार के तरफ से सुविधा मिलेगी। संजय दत्त को उत्तराखंड एंटी ड्रग कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। बॉलीवुड में खलनायक रहे संजय दत्त अब ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन छेड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि संजय दत्त उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा मैं इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने को तैयार हूं। मैंने इस कष्ट को झेला है, इसलिए मैं इसके लिए खड़ा होना चाहता हूं ड्रग के अगेंस्ट। ये संजय दत्त जी ने फोन पर मुझे बात कही। गौरतलब है कि संजय दत्त अपने शुरुआती दिनों में खुद भी ड्रग्स एडिक्ट रह चुके हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने इस पर जीत हासिल की। गरीबों को 10 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना, इलाहाबाद में शुरू की गई योगी थाली। संगम नगरी इलाहाबाद में गरीबों के लिए योगी थाली की शुरुआत की गई है। थाली की कीमत 10 रुपए रखी गई है, जिसे चुकाने में किसी भी गरीब को मुश्किल ना आए। दरअसल इसकी शुरुआत निजी स्तर पर की गई है, लेकिन उद्घाटन शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने किया। मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक थाली की शुरुआत किया है और 10 रुपए में ये थाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि विकलांग और जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए, गरीबों के लिए, साधु संतों के लिए इन्होंने निःशुल्क ये थाली रखी है। और ये एक अच्छी सोच है कि हमारे देश का आदमी गरीब तो हो सकता है लेकिन भूखे पेट नहीं सो सकता है। इसलिए लोग योगी जी को पसंद कर रहे हैं, हमने भी अपनी थाली का नाम योगी थाली रखी है। 10 रुपया रेट रखा है और गरीब लोग जो है, विकलांग है, साधु संत है, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारे बाबा ढाबा में निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। साधुओं को योगी थाली मुफ्त में दी जा रही है, दिव्यांगों से भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। कर्नाटक के कुलबर्गी में 2 जुड़वा बहनों ने चलाया केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए अभियान। ममता, दया और करुणा, मानवता के तीनों महान गुण इन दोनों जुड़वा बहनों में समाये हुए हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी की रहने वाली ये दोनों बहनें केरल में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए रोजाना चंदा इकट्ठा करती हैं। अब तक दोनों 8,000 रुपए तक जमा कर चुकी हैं। स्कूल छूटने के बाद हम दोनों एक एक घंटा सब पेट्रोल पंप, मकान को, सब मकान को और शॉप को और ऐसा टेंपल्स को आकर हम सब कलेक्ट किए। कलेक्ट करके हम वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उज्जवल कुमार घोष को हम ये पैसे पहुंचाने को हम इरादे करते हैं। दोनों सगी बहनें स्कूल की छुट्टी के बाद रोजाना मंदिरों के आगे चंदा इकट्ठा करती हैं। लोग भी इनके योगदान की तारीफ किए बिना नहीं रहते। पिछले 14 दिनों से दोनों बहनें रोजाना केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हैं। अब पंजाब में बकरी के खून से होगा थैलेसीमिया का इलाज, कैसे दिखाते हैं। थैलेसीमिया के इलाज के लिए बकरी के खून का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में चल रहे राज्य सरकार के प्रोजेक्ट को सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में जल्द ही शुरू किया जाने वाला है। दरअसल इस विधि में एनिमा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उपचार की इस विधि में मरीज को मल त्याग करने वाले स्थान से एनिमा के जरिए बकरी का खून चढ़ाया जाता है। पंजाब सरकार के मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो ट्रीटमेंट में जो है हम देते हैं उसमें बकरे का खून की बस्ती देते हैं, टैबलेट रहती है खाने की और एक घी रहता है, ऐसे 3 रेमेडीज जो कॉम्बिनेशन है जो बच्चे को देते हैं। तो उससे होता गया कि जो बच्चे का जो है, जो एक बच्चे अगर महीने में 3 बार 4 बार 5 बार खून चढ़ाना पड़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इस विधि से अहमदाबाद में सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इससे पंजाब में भी कामयाबी मिलेगी। गणेश चतुर्थी को अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन गुजरात के सूरत में खास तरह से गणेश चतुर्थी मनाई गई। गुजरात के सूरत में पश्चिमी देशों के तर्ज पर मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। इस बार सूरत के उत्साही नौजवानों ने गणेश चतुर्थी के उत्सव को कार्निवल की थीम से सजाया। देश के कई हिस्सों से आए कलाकारों ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। फेस्टिवल में आए लोगों ने भी जमकर मस्ती की। आयोजकों का दावा है कि इस तरह की थीम पर मनाया जाने वाला ये पहला गणेश चतुर्थी उत्सव है। ये कार्निवल कभी
भी सूरत गुजरात में हुआ नहीं है, तो एक ऐसा शो करने की कोशिश की है जिसमें बेंगलोर, बॉम्बे और कहीं और कितनी जगहों से आर्टिस्ट आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है और हजारों की संख्या में लोगों ने हमें देखा हुआ है और हम सबका बहुत शुक्रिया मानते हैं। गणेश चतुर्थी के इस खास फेस्टिवल को देखने के लिए सूरत के 10,000 लोग गवाह बने। फेस्टिवल को इको फ्रेंडली बनाने की भी पूरी कोशिश की गई। महाराष्ट्र में पुणे में महिलाओं ने बेली डांस करके रिकॉर्ड बनाया। बेली डांस कर रही महिलाओं ने भारत में इस डांस के मायनों को नया आयाम देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के पुणे में 160 महिलाओं ने एक साथ बेली डांस पेश कर नया रिकॉर्ड भी बनाया है। इस ग्रुप में शामिल महिलाओं का दावा कि उन्होंने इस डांस पर लगी अश्लील होने की तौमत को भी काफी हद तक हटा दिया है और अब वो इसे कहीं भी करने में हिचक महसूस नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप टीवी पे देखते हैं या जो आप वीडियोस देखते हैं, बेली डांसिंग वैसा ही होता है। बेली डांसिंग बिना स्किन दिखाए भी किया जा सकता है। लड़कियां बहुत कंफर्टेबल रहती है बाहर परफॉर्म करने के लिए और यही है पूरा मोटिव बेलिज्मा का। इस बेली डांस की खासियत थी इसमें शामिल महिलाएं। इसमें 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं ने भी जमकर डांस किया। इसका नाम दिया गया था बेलिज्मा 2018।